और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से देखिए, तो यही मामला है कि जो मुख्य किरदार है, चाहे वो विजय नायर हो, मनीष सिसोदिया हो, के कविता हो, जाता है। बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल को जमानत मिल गई है क्या? ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, केजरीवाल को जमानत मिली, केजरीवाल को बड़ी राहत, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, सीबीआई मामले में जमानत मिल गई है। आपको बता दें, इससे पहले ईडी वाले मामले में जमानत मिली थी, और आपको बता दें शराब घोटाले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुजाता, बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे, ईडी केस में पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें दर्शकों को, केजरीवाल को बड़ी राहत मिल गई है, केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब घोटाले के मामले में जमानत दे दी है सीबीआई के केस में। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 महीने बाद अब जेल से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले आपको याद दिला दें कि किस तरह से उन्हें राहत मिली थी, 10 मई को पहली बार उन्हें जमानत मिली थी, उनको चुनाव में प्रचार करने के लिए 2 जून को वह वापस जेल चले गए थे, लेकिन उसके बाद से फिर वो लगातार जेल में है। उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के केस में जमानत दी, लेकिन वो जेल से बाहर नहीं आ पाए अलग अलग कारणों से। ट्रायल कोर्ट की जमानत के बाद सीबीआई ने उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो सीबीआई की कस्टडी में थे। ईडी में भी अंतरिम जमानत मिली, लेकिन सीबीआई केस में जमानत नहीं मिली थी। और अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है सीबीआई के केस में भी, हालांकि जो गिरफ्तारी हुई उसे अवैध नहीं माना है, उसे वैध माना है, लेकिन फिर भी जमानत दी है, क्योंकि बार बार अदालतें ये कहती हैं कि जमानत नियम है और एक्सेप्शन होता है जेल में रखना, जमानत तो नियम है, और उसी नियम के तहत अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल के लिए। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि कथित शराब घोटाले के मामले में जो अहम किरदार है विजय नायर से इसकी शुरुआत होती है, विजय नायर, के कविता, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबको जमानत मिल चुकी है, और अब अरविंद केजरीवाल को भी जमानत मिल गई है। 21 मार्च को 9 नोटिस के बाद 21 मार्च इसी साल अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था शराब घोटाले के मामले में, और अब ये बड़ी राहत है अरविंद केजरीवाल के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि हरियाणा में चुनाव है, और हरियाणा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे का बाहर आ जाना बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए भी, क्योंकि देखिए जो जिस तरह से गठबंधन की बात हो रही थी, कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो पाया, और अब बड़ी राहत है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार कर पाएंगे, वो बाहर आ पाएंगे। और एक तरह से जब एक एक पार्टी का एक सबसे बड़ा चेहरा बाहर आ जाता है तो लोगों में भी भरोसा होता है। अगर वो जेल में ही रहते तो शायद लोगों को ये लगता कि आम आदमी पार्टी को वोट देकर होगा क्या, क्योंकि उनके सबसे बड़े लीडर जेल में है, पता नहीं पार्टी का भविष्य क्या होगा। तो बहुत सारे परिणाम जो है, दूरगामी परिणाम इस आज के नतीजे के होंगे जो न्यायालय की तरफ से आया है। बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए भी, लेकिन ट्रायल चलता रहेगा क्योंकि अवैध नहीं है जिस तरह गिरफ्तारी हुई है। लेकिन सुजाता, किन शर्तों के साथ जमानत मिली है ये भी आप दर्शकों को बताइए। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं। सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाई हूं। शर्तों के साथ जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, ये भी बताइए, क्योंकि 5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे अरविंद केजरीवाल, इस तरह की बात भी कही गई है। जी देखिए, शर्तें वही है सबसे पहले, जिस तरह की शर्तें पहले लगाई गई थी, क्योंकि जो जाहिर तौर पर देश से बाहर वो नहीं जा सकते हैं, वो संवैधानिक पद पर हैं, तो पहले ये कहा गया था कि भाई वो व्यक्ति संवैधानिक पद पर है, वो इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो उनके कहीं गायब हो जाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कंडीशन जो है अभी और डिटेल में हमारे सामने आएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी कंडीशन नहीं बताई गई हैं, धीरे धीरे जो है वो जानकारियां सामने आएगी। और अब हम आपको फिलहाल ये बता रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है। अरविंद केजरीवाल अब शराब घोटाले के मामले में ईडी के केस और सीबीआई के केस दोनों में ही जमानत पा चुके हैं, और संभवतः आज ही वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी समय अभी सुबह ही है, तो सारी जो कार्रवाइयां हैं वो पूरी हो जाएंगे, और आज शाम तक और लेटेस्ट रात तक जो है अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल, ये बहुत बड़ी राहत है। और शर्तों की जो हम जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पहले जो बात थी वो सारी चीजें जो है वो फिर से एक बार कंडीशंस अप्लाई होंगी, अभी भी जो है कंडीशंस जो है वो वही रहेंगी, और डिटेल जो है वो धीरे धीरे हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जैसे जिस तरह की शर्तें थी, एक तो गवाहों को प्रभावित नहीं करना है, किससे संपर्क नहीं करना है, जो सरकारी फाइलें हैं उनको लेकर भी जिस तरह की कंडीशन थी उसकी बात फिर से एक बार दोहराई जा सकती है। फिलहाल हम आपको ये बता रहे हैं दर्शकों के लिए, शुरुआत इस पूरे मामले की होती है 2022 से। नवंबर 2021 में दरअसल दिल्ली में एक नया जो है लिकर नीति लाई गई थी,
शराब नीति लाई गई थी, उसके बाद इसे लेकर कई तरह के सवाल उठे। अगर हम साल 2022 की बात करें तो जुलाई 2022 में दिल्ली की जो एलजी है विक्की सक्सेना, उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ है, इसमें व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, इसीलिए इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगस्त 2022 में सीबीआई इस मामले में केस रजिस्टर कर लेती है 17 अगस्त को। उसके बाद उसमें हालांकि अरविंद केजरीवाल का कोई नाम नहीं था, 14 लोगों का नाम पहले एफआईआर में था। मनीष सिसोदिया को सबसे ऊपर रखा गया था क्योंकि वो आबकारी विभाग संभाल रहे थे, तो उनको उस मामले में रखा गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये तमाम चीजें जो थी, बाद में सीबीआई और ईडी भी इन्वॉल्व हो गई, ईडी भी इन्वॉल्व हो गई। और इस वक्त अब आपको बता दें कि करीब 5 महीने बाद 21 मार्च के बाद अब जाकर मामले में एक नियमित जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल रही है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ, जल्द लौट रहे हैं। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे, इसका फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत थोड़ी देर में कर देगी। दरअसल ईडी इस मामले में पहले गिरफ्तारी कर चुकी थी, तो ईडी मामले में तो उनको राहत जरूर मिल गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सीबीआई उनकी जो उन्होंने अपील कर रखी है उसका विरोध कर रही है, और सीबीआई ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, लेकिन वहीं दूसरी ओर केजरीवाल जल्द से जल्द जेल से बाहर भी आना चाहते हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में पार्टी को लेकर भी कई बातें उनकी ओर से, तैयारी को लेकर भी कई बातें कोर्ट में कही गई हैं। वहीं दूसरी ओर शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी की ये कोशिश है कि उनसे ज्यादा से ज्यादा पूछताछ की जा सके, और अभी भी सीबीआई का ये मानना है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका खुलासा अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं किया गया है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर रहे और वो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को ही मास्टरमाइंड बताते रहे हैं। ऐसे में आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। बता दें आपको कि एक हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया जाना है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कई दलीलें कोर्ट में दी हैं और पूरी तरह से ये कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से इस मामले में फंसाया जा रहा है, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर सीबीआई की ये कोशिश है कि एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ की जा सके और ज्यादा, जिससे और खुलासे हो सके, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सहयोग अब तक उनकी ओर से नहीं किया गया है। आ गई वो तारीख, सीएम को मिलेगी जमानत, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल। आज सीएम पर सुप्रीम फैसला। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। केजरीवाल को पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल चुकी है, लेकिन करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था और उन्होंने गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट आज क्या फैसला सुनाने जा रहा है? क्या आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? भ्रष्टाचार के केस में केजरीवाल पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। 5 सितंबर को कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। दरअसल केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया था, लेकिन उस मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन आज बारिश सुप्रीम फैसले की है, जिस पर न सिर्फ केजरीवाल और परिवार की नजर है, बल्कि पूरे आम आदमी पार्टी की नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुप्रीम कोर्ट जहां से जुड़ रही हमारे सहयोगी सुजाता। सुजाता, अरविंद केजरीवाल को पहले हाई कोर्ट से झटका मिला, राहत नहीं मिली, नजरें और उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से लगी हुई है, लेकिन इस बार भी सीबीआई का जो ग्राउंड है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूतों को लेकर के वो मजबूत है, ऐसे में राहत मिलने की कितनी उम्मीद अरविंद केजरीवाल को आज?
देखिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं आज के लिए। और फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अपडेट यह है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि सीबीआई मामले में ये जो सुनवाई है वो हो रही है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। पिछले यानी 5 तारीख को जब सुनवाई हुई थी तो फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। दरअसल तर्क ये दिए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी तक अगर हम देखें तो कुल मिलाकर 3 बार अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। ट्रायल कोर्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट तक से 3 बार जमानत मिल गया। एक बार वो 21 दिन के लिए 3 हफ्तों के लिए बाहर आए थे चुनाव के दौरान, लेकिन 2 मामलों में वो उनको जमानत तो मिली लेकिन वो अलग अलग कारणों से जेल से बाहर नहीं निकल पाए। और अब फिलहाल आपको बता दें कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी के केस में अंतरिम जमानत दे दी थी। उसके बाद से भी वो जेल में ही रहे क्योंकि सीबीआई उन्हें अरेस्ट कर चुकी थी और सीबीआई के मामले में उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। आज आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ये उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आ सकते हैं। ग्राउंड ये है कि जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में, जिसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है जमानत पाना, उसमें अगर अंतरिम जमानत मिल सकती है तो सीबीआई उनको जमानत क्यों नहीं दे सकती। इसके अलावा सीबीआई ने जिस तरह से गिरफ्तार किया उस मामले को भी चुनौती दी गई है क्योंकि ट्रायल कोर्ट से जिस दिन अरविंद केजरीवाल को 20 जून को जमानत मिली थी ईडी के केस में, उसी दौरान तिहाड़ जेल में रात को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि अगले दिन जो उनकी कार्रवाई थी, उनकी रिहाई की, जमानत की, वो सारी चीजें कागजी कार्रवाई होनी थी लेकिन उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब वो सीबीआई के मामले में कस्टडी में है। तो यह भी तर्क दिया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने जैसी कोई गुंजाइश जो है वो नजर नहीं आती है। और क्योंकि उन्हें इसी केस में कथित शराब घोटाले के मामले में ही ईडी के मामले में भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो सीबीआई के मामले में भी जमानत मिलनी चाहिए।